हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रीड करेंगे यानी पढ़ेंगे विशेषण विशेष्य। विशेषण यानी इंग्लिश में बोलते हम एडजेक्टिव, वर्ड दैट डिस्क्राइब और मॉडिफाई अदर वर्ड्स। एग्जांपल ब्राउन कैट, ब्राउन इज अ एडजेक्टिव। इसी तरह से हिंदी में और संस्कृत में भी विशेषण बोलते हैं एडजेक्टिव को। विशेषण यानी किसी भी नाम या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। संस्कृत में आपने सुना होगा वचन तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लिंग तीन, पुरलिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। विभक्ति सात, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठम, सप्तम और अष्टम। ठीक है बच्चों, तो यदलिंगम यदवचनम याच विभक्ति विशेष्य, यदलिंगम तदवचनम सा च विभक्ति विशेषणस्य। विशेष्य का जो लिंग वचन और विभक्ति होती है वही लिंग वचन और विभक्ति विशेषण की होती है। विशेषण यानी संज्ञा या सर्वनाम, नाम या सर्वनाम के बारे में अधिक जानकारी जो पद देते हैं उसे विशेषण कहते हैं। जैसे घोड़ा धीरे धीरे दौड़ रहा है, तो घोड़ा क्या करता है, दौड़ रहा है और धीरे धीरे दौड़ रहा है। ठीक है, इसी तरह से काली गाय, तो गाय कैसी है, काली, तो गाय विशेष्य और काला जो उसका विशेषण। विशेष्य जिस पद के लिए विशेषण का प्रयोग किया जाता है उसे विशेष्य कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए बच्चों, विशाल ग्राम, तो विशाल गांव यानी बहुत बड़ा गांव है, तो विशाल ग्राम, ग्राम क्या है, विशेष्य, और ग्राम की क्या विशेषता है कि वो विशाल है, तो विशेषण क्या बन गया, विशाल है, और विशेष्य क्या है, ग्राम। पुरलिंग, ग्राम पुरलिंग है तो विशेषण भी पुरलिंग लगा। प्रथमा विभक्ति है तो ये भी प्रथमा विभक्ति, एक वचन तो एक वचन, तो हमेशा विशेष्य पुरलिंग विभक्ति और लिंग के अनुसार ही परिवर्तित होते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे अपन, पुरलिंग में एक वचन विशेष्य है तो उसका विशेषण भी एक वचन ही होगा। जैसे वानर, तो वानर कैसा है, चपल वानर, चपल यानी थोड़ा सा उछल कूद करने वाले वानर होते हैं, तो अपन क्या बोलते हैं, चपल वानर। श्रेष्ठ है जन, जन विशेष्य और श्रेष्ठ क्या है, जो अंडरलाइन वर्ड है वो विशेषण है और जो दूसरे वर्ड्स हैं वो विशेष्य हैं। श्रेष्ठ है जन। अनुशासित छात्र, प्राचीन ग्राम, हरित वृक्ष, सघन वृक्ष। इसी तरह से द्विवचन में देखो आप, चपलो वानरो, दो बंदर जो हैं वो चप्पल या सतानी कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं। इस तरह से बहुवचन यानी बहुत सारे बंदर उछल कूद कर, चपला वानरा, तो जैसे विशेष्य होगा उसी के अनुसार विशेषण लगेगा। श्रेष्ठो जना, श्रेष्ठा जना, अनुशासिता छात्रा, प्राचीनेभ्य ग्रामेभ्य, तो इसे देखो ग्रामेभ्य पंचमी विभक्ति है, तो प्राचीन की भी पंचमी विभक्ति प्राचीनेभ्य लगाया हमने। हरिते वृक्षे, तो सप्तमी विभक्ति है वृक्षे, तो इसके साथ में सप्तमी विभक्ति विशेषण लगा हरिते। सघना वृक्षा, ये बहुवचन है तो इसमें भी सघना यानी बहुत सारे वृक्ष जो है घने हैं। नेक्स्ट है स्त्रीलिंग और पुरलिंग में कैसे करेंगे हम, चपला वानरी यानी बंदरी जो है वो कैसी है, चपला है, चपला वानरी। श्रेष्ठा कन्या, अनुशासिता छात्रा, प्राचीन कथा, प्राचीना परंपरा। हरिता लता, घन सघना छाया, सघने छाया, तो ये प्राचीन कथा एक वचन और बहुवचन हो गया प्राचीना परंपरा। हरिता लता यानी हरी, लता यानी बेलें हैं, इस तरह हरिते लते, तो बहुत सारी बेलें जो है वो हरी हरी बेल है। ठीक है, सघना छाया यानी घनी छाया। ठीक है, अब नपुंसकलिंग में किस तरह से प्रयोग किया जाएगा, पत्रम हरितम पत्रम, पेड़ का पत्ता जो है वो कैसा हरा है, तो ये नपुंसकलिंग। सुंदरम मुखम, मुख कैसा है, सुंदर। सघनम वनम, वन कैसा है, सघन यानी घना। मित्राणी अनेकानी, अनेकानी मित्राणी यानी अनेक बहुत सारे मित्र। द्वे नेत्रे, तानी ग्रहाणी यानी ये आपको वचन और लिंग के अनुसार विशेषण का प्रयोग किया गया है। अब हम देखेंगे बच्चों, लिंग में भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में शब्दों का कैसे प्रयोग करेंगे। जैसे पुरलिंग है
तो ग्राम विशाल ग्राम, द्विवचन में विशालो ग्राम, बहुवचन विशाल ग्राम, स्त्रीलिंग में मधुरा कथा, द्विवचन मधुरे कथा कथे, बहुवचन मधुरा कथा, नपुंसकलिंग में देखो मधुरम गीतम, मधुरे गीते, मधुराणी गीतानी। तो आपको इसमें समझ में आ गया कि विशेष्य के अकॉर्डिंग ही हम विशेषण को भी परिवर्तित करते हैं, चाहे वो एक वचन है तो हम विशेषण भी एक वचन लेंगे, द्विवचन है तो विशेषण भी द्विवचन लेंगे। तो विशेष्य और विशेषण जो है विभक्ति भी सेम होगी और इनके वचन भी सेम होंगे और लिंग भी सेम होंगे। अब नेक्स्ट है हमारा, हम वाक्य देखेंगे बच्चों कि किस तरह से वाक्यों में प्रयोग किया जा रहा है। पुरलिंग में देखो चतुरह काकः, स्त्रीलिंग चतुरा बाला, नपुंसकलिंग चतुरम वचनम, सुंदरह बालकः, सुंदरा बालिका, सुंदरम वनम। तो ये जो हमारे विशेषण है आगे वाले और पीछे वाले विशेष्य, प्रसन्नः देव, प्रसन्ना सीता, प्रसन्नम नगरम। तो जो आगे वाले वर्ड हैं वो विशेषण हैं और पीछे वाले वर्ड हैं वो क्या हैं बच्चों, विशेष्य। थैंक यू डियर स्टूडेंट।